नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम की नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। जमीन दखल को केंद्र कर सिलीगुड़ी संलग्न छोटा फापड़ी में जमकर हुआ मारपीट। हमरो सिक्किम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष 8 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन कर्मियों ने रेलवे फरमान को ठहराया गलत। सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में 3 मार्च को राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। मालिक और श्रमिक पक्ष के बीच मनमुटाव के चलते बंद हुआ सिमुलबाड़ी चाय बगान। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। जमीन दखल को केंद्र कर सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास संलग्न छोटा फापड़ी में जमकर हुई मारपीट। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आसीगढ़ थाना अंतर्गत फगदोईबाड़ी निवासी धीरेंद्र राय काफी दिनों से पुलिस से शिकायत करते थे कि कुछ लोग उनकी जमीन को दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार दोपहर को वो पुलिस को साथ लेकर अपने जमीन पर कब्जा करने के लिए गए थे, लेकिन स्थानीय क्लब और कुछ इलाके के लोगों ने उन पर अचानक से हमला बोल दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस बीच उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ किया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर DSP गौरव लाल विशाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में धीरेंद्र राय को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बाड़ी छिलाम ना, ठीक है, हमें हमारे नतून बाइक नम्बर प्लेट लगानों जो माटी कराई, ठीक है। तो हमारे जरा सहबड़ी आज हमारे सहकर्मी आज ता फोन कर बलें जमीते झमला हो, ठीक है। हमें आई एखे देखी पुलिस गाड़ी भांगचुर हो, ठीक है। तपर पुलिस प्रशासन पूरा चले आसे, ठीक है। आसार पर इतटुकू देखल, तपर पुलिस प्रशासन आसे अनेक लोक एखान उठे नहीं गलो না, এই ব্যাপারে আমি অবগত না। আচ্ছা, আমি জমি সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া নেই, ঠিক আছে। এই জমিটি কার? এটা এই জমি কার আমি সম্বন্ধে আমার কোনো আমি অবগত নই। এটা তো হবেই দাদা, ভাঙচুর কেন হবে না? পাবলিক আরো কত টলারেট করবে এরকম সমস্যা কি? আর কত অনেকবার হয়েছে এরকম এরকম ঘটনাটা। কি কে কি করেছে? ও আছে বলে কে? এই যে ধীরেন বলে একটা লোক যেটা আসছিল আজকে, এটা নিয়ে অনেকবার হয়েছে। চার পাঁচবার আমরা বললাম 2016 থেকে, হুম, 2016 থেকে আমরা, হুম, এটা সাজু করতে, মানে উনি কি করতেন? এসে আইতে বলতো এটা আমার জমি, তুই এখানে কি কেন তুই রাস্তা বানাইছিস? তোর বাপের জমি, এর উপর ধমক দিয়ে চলে যায় তো কখনো? এখন কি করতেছে অফিসার? এরা ছেলেগুড়া রাত্রে ছেলেগুড়া কি তলোয়ার বা তো কেন হাতে নিয়ে পাঠায়, মানে অত্যাচার করতেছে, আতঙ্ক সৃষ্টি করতেছে আর কি। আর এখন আজকে আইছে বলে একটা লোককে ধমকি দিছে, এটা আমার জমি, মানে অনেক ধমকি দিছে। পুলিশ সাথে নিয়ে, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আছে ওরা ধমকি। আচ্ছা, তারপরে আর কি হচ্ছে? লোক আরো তো এত টয়লেট করবে না, না মারি দিছে পাবলিকে, ঝড়পের মধ্যে পুলিশের কাছে। কি চান আপনারা? আপনারা কি চান? আমরা শান্তি চাই আমাদের গ্রামে, যেন আমরা গরিব মানুষ বসবাস করে এখানে, যেভাবে গ্রামের মানুষ এখানে শান্তি করে বসবাস করতে পারে, এরকম আমরা ঝামেলা চাই না। गठन के कुछ दिन बाद ही हमरो सिक्किम पार्टी के संस्थापक में हुए बिखराव। पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री RB सुब्बा, पूर्व मंत्री के N उप्रेती, उपाध्यक्ष तारा श्रेष्ठ सहित 8 सदस्यों ने पार्टी से सोमवार को दिया इस्तीफा। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन कर्मियों ने रेलवे के फरमान को गलत ठहराते हुए एरिया ऑफिस का किया घेराव। रेलवे ठेका मजदूरों के कार्य अवधि 24 घंटा करने के रेलवे के तुलगली फरमान को गलत ठहराते हुए सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन ने सोमवार को NGP स्थित एरिया ऑफिस का घेराव कर ADRM से मुलाकात किया। इस घेराव सूची में सैकड़ों ठेका मजदूरों ने भाग लिया। वही सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन महासचिव संजय टिबड़वाल ने बताया कि पहले रेलवे ठेका मजदूर 9 घंटा काम करते थे, लेकिन रेलवे ने 24 घंटे काम करने का फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह फरमान को वह तुलगली फरमान मानते हैं। उन्होंने कहा कि ठेका मजदूर रेलवे के इस फरमान को नहीं मानेंगे। माध्यमिक परीक्षा पेपर लीक होने की घटना को केंद्र कर SFI ने SDO को सौंपा ज्ञापन। माध्यमिक परीक्षा 2019 का पेपर लीक होने की घटना के प्रतिवाद में सोमवार को दार्जिलिंग जिला SFI के सदस्यों ने सागर शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को महकमा शासक को एक ज्ञापन सौंपा। दार्जिलिंग जिला SFI के अध्यक्ष सागर शर्मा ने बताया कि मंगलवार से उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि प्रश्न पत्र लीक न हो, इस विषय पर शिक्षा विभाग कड़ी नजरदारी रखे। वही उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केंद्र में टीचर को भी मोबाइल ले जाने में
प्रतिबंध करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कई मांगों को ज्ञापन के माध्यम से एसडीओ को सौंपा गया है। सिलीगुड़ी स्थित सुभाषपल्ली में 23 फरवरी को हरिंद्र राय शर्मा मेमोरियल गुरुकुल में वसंत उत्सव का कार्यक्रम किया गया। इस वसंत उत्सव का उद्घाटन देश के शहीदों को मोमबत्ती जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर एक मिनट के मौन के साथ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बिहारी कल्याण मंच के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गणेश त्रिपाठी जी, वर्तमान महासचिव कर्मवीर सिंह ओझा, 18 नंबर वार्ड प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता, राष्ट्रीय कवि करण सिंह जैन, गुरुकुल के प्रधान शिक्षक अरुणांशु शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधान शिक्षिका श्रीमती संचिता देव, शिक्षिका डॉक्टर वंदना गुप्ता सह गणमान्य लोग उपस्थित थे। सिलीगुड़ी के वरिष्ठ समाज सेवी एवं भूतपूर्व अध्यक्ष बिहारी कल्याण मंच के श्री गणेश त्रिपाठी को गुरुकुल परिवार एवं उनके समाज सेवा और हिंदी भाषी समाज के योगदान को देखते हुए उन्हें मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद गुरुकुल परिवार में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसंत उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद सभी उपस्थित महानुभावक विद्यालय के बच्चों को एवं कोचिंग के बच्चों को उनके माता पिता को वसंत उत्सव भोज कराया गया। उसके बाद जीते हुए सभी प्रतिभागियों को वहाँ पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। वेतन नहीं मिलने से नाराज डंकन कंपनी के वीरपाड़ा चाय बगान के श्रमिकों ने चौपती रोड में किया पथ अवरोध। दो महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण डंकन कंपनी के बीरपाड़ा चाय बगान के श्रमिकों के एक संगठन ने बीरपाड़ा चौपती में करीब 3 घंटे तक पथ अवरोध किया। प्रशासन के द्वारा समस्या के समाधान का आश्वासन देने के बाद अवरोध समाप्त हुआ। यूटीयूसी के सभापति गोपाल प्रधान ने बताया कि प्रशासन के तरफ से जिला कार्यालय में बैठक कर समस्या का आश्वासन दिया गया है। আমাদেরকে মাইনা দিতে হবে গত শনিবার মাইনা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ম্যানেজমেন্ট মাইনা না দিয়ে পালাই গেছে তো এরা যাবে কোথায় আর হচ্ছে আমরা যারা সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আছে বাগানের শ্রমিক নিয়ে আমরা জিএলসি অফিসে গেছি এলসি অফিসে গেছি ডিএলসি অফিসে গেছি ডিএমএর অফিসে গেছি বিডি অফিসে গেছি কোনো জায়গা শুনানি হচ্ছে না সেই জন্যই এরা বাধ্য হয় আজকে এই স্টেপটা নেওয়ার মনে করা যে আমরা প্রশাসনকে হাই লেভেল প্রশাসনকে কানে একটা আওয়াজ দেবো যে আমরা কেন सिलीगुड़ी बुद्ध भारती उच्च विद्यालय में सोमवार को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बुद्ध भारती उच्च विद्यालय के स्कूल की तरफ से कल्पना मंच तैयार किया गया था जहां पर शहीदों का फोटो रखा गया था। पूर्व कर्नल दीपक दास, विद्यालय के प्रधान शिक्षक स्वप्नेंदु नंदी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों ने पुष्प अर्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में 3 मार्च को होने जा रहे राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन, एक पत्रकार सम्मेलन में कवि करण सिंह जैन ने यह जानकारी दी। 3 मार्च को रंगमंच की ओर से राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रंगमंच हमेशा ही हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रति लगातार इसके विकास हेतु प्रयत्नशील है और इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ा रहा है, हिंदी नाटकों की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के राज्यपाल माननीय महामहिम गंगा प्रसाद जी उपस्थित रहेंगे और उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे सुशील जी मित्र का मुख्य अतिथि और जो हमारे अतिथि हैं विशेष अतिथि श्री गंगाधर जी नक्कीपुरिया, श्री कृष्ण जी रामपुरिया सहित विभिन्न जो हमारे संरक्षक हैं सभी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। एक भव्य कार्यक्रम होता है हास्य कवि सम्मेलन का, पूरा शहर जम के ठहाका लगाएगा इस दरमियान। और जो कवि आ रहे हैं उसमें हास्य सम्राट अखिलेश द्विवेदी, प्रीता वाजपेयी, संदीप शरारती, शिव प्रकाश खंजन, नजर इलाहाबादी, संदीप शरारती आदि उपस्थित रहेंगे। हैमिल्टनगंज के वन दफ्तर कर्मियों ने 2 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को किया बरामद। अलीपुरद्वार जिला स्थित कालचनी ब्लॉक के सांतली चाय बगान के लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे नाले के पास कछुए के साथ खेल रहे हैं। सुनील दर्जी नामक एक स्थानीय निवासी ने उस दोनों कछुए को बरामद कर हैमिल्टनगंज के वन दफ्तर को इसकी सूचना दी। बाद में वन कर्मियों ने आकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वे दोनों कछुए ही दुर्लभ प्रजाति के हैं एवं उन्हें बक्सा व्याघ्र प्रकल्प के जलाशय में छोड़ दिया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ।
Sunshine High School, an English medium co-educational school, affiliated to ICSE Board. Admission for session 2019, pre-nursery to class 9, quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs, games, indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine High School. Mobile 7797965318, 9734015500003. E che vuoi, Nino? Non mi metti che vuoi, Yuri? Asti, ma c'è chi ne cucciutta? Mi ripartai? Quanti chi ne cucciutta? 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 Quanti chi हजुर डाक्टर फुट सुविधायुक्त टिकाऊ अनि नचिप्लिने पनि। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। उत्तर मालागुड़ी मोजा के जमीन आदिवासियों का था। टूला ओड़ाव नामक एक व्यक्ति ने उस जमीन में प्लॉट बनाया। सन 1996 में उस प्लॉट को प्रति कट्ठा 28,000 रुपए कीमत से राम सेवक कामती को बेचा गया। वहां पर घर बनाकर सियाराम प्रसाद नामक एक व्यक्ति को भाड़ा दिया गया था। पिछले 15 सालों से वे वहां रहते आ रहे हैं। अब तक किसी का कोई आपत्ति नहीं था, पर आज अचानक से मृत टूलू ओड़ाव का बेटा करण ओड़ाव ने जमीन की मांग की है। करण ने पुलिस में इसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई। पुलिस की उपस्थिति में जेसीबी के द्वारा उस घर को तोड़ा गया। इस विषय पर सियाराम प्रसाद का क्या कहना है, सुनते हैं। नहीं, हम ड्यूटी में थे तो लाइन्स क्लब में, सिलीगुड़ी गेटर लाइन्स क्लब में। नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ जानकारी नहीं। अभी मतलब फोन गया तो काम छोड़ के भी अभी आए हम देखने के लिए। देखते सब टूटा हुआ सामान सब का हुआ है। राम सेवक सिंह, राम सिंह 15 साल से रह रहा है। नहीं कोई झमेला नहीं। वही दूसरी तरफ करण ओड़ाव का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। हाँ, ये जमीन हम ही लोग का है। ये तो कोर्ट से ऑर्डर आया है इसलिए ये तोड़ा गया है, नहीं तो खुद से तो हम लोग भी नहीं तोड़ेगा। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसलिए टूटा है। ये केस तो बहुत दिन से चल रहा है, कम से कम 20 साल तो हो गया हुआ। कोर्ट से ऑर्डर आया था, कोर्ट से आदमी आया, पुलिस आया, उसके बाद ही तोड़ा गया। क्या अब वो लोग क्या बोल रहा है, वो लोग उसका सामान वामान का सीजर लिस्ट भी मेरे पास ही है। वो बोल रहा है कोर्ट से ही लेगा, अब हम क्या बोलेगा। अब वो लोग बोल रहा है अब केस करेगा तो अब वो लोग जानते हैं। हम तो कुछ इस केस के बारे में मेरा को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। जो जानती है मेरा मम्मी जानती है, वो अभी बीमार है इसलिए हम तो कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा इसके बारे में। रामकरण कामती का इस विषय पर क्या कहना है, सुनेंगे। हाँ, मेरा पिताजी के नाम से घर राम सेवक कामती के नाम से घर था और ये एंगल जो है कि मेरा दूसरा का नाम से ये घर तोड़वा दिया मेरा। हमको तो खुद सर पता नहीं है ना, मेरा पास कोई नोटिस है, मेरा पिताजी के नाम से है। देखिए टोटल ऑल आपको दिखा रहे हैं पेपर। अगर इसमें कुछ नोटिस मेरा पास आता तब ना हम कोई चीज़ करते इस चीज़ पे। नहीं सर, उस समय आज से 20 साल पहले ये पूरा लैंड वेस्ट हो गया था और वेस्ट होने का कारण जो है कि ये हमको रजिस्ट्री उस समय दिया नहीं। और मालती हो रहा है इसका, ये उसका हस्बैंड जो था उस सब मेरा सामने में सर। उस समय हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते थे। उस समय 5 रुपया क्या चीज़ होता था इस सिलीगुड़ी में, वो जो हम देखे हैं 5 रुपया वो बचा कर ये जमीन लिया। बाद में ये उसका पिताजी मर गया, उसका बाद ये लोग इस ज़मीन पे लफड़ा सफड़ा करना चालू कर दिया। ये ज़मीन तो सर हम तो लिए थे 5 कट्ठा, लेकिन पूरा ये एरिया ही जितना है पूरा एरिया इसी का है। ये जितना पूरा एक बार कैमरा घुमाइए, टोटल एरिया इसी का है और टोटल ज़मीन ऑल बिका हुआ है। मेरा बेंगल मेरा नोटिस है तो बेंगल मेरा घर तोड़ दिया इतना का मेरा उस समय सर 5 लाख रुपया का वैल्यू था। 5 लाख रुपया क्या चीज़ होता है ना, 5 लाख रुपया मेरा लगा हुआ था इस पे। हम प्रशासन से बोलेंगे कि मेरा घर अंगीला टूटा हुआ है, इसको प्रशासन हमको दे मेरा कोर्ट का ऑर्डर। ना मेरा पास है ना कुछ नहीं, हम पूरा टोटल ऑल पेपर हम आपको सर दे रहे हैं पूरा। आपके थाना में जाना है? हम थाना में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए जमीन के बारे में जहाँ तक मुझे पूरा अंदाजा है कि ये जमीन ट्रैवल जमीन था। जब जमीन आदमी जिस पीरियड में आदमी यहाँ ज़मीन खरीदा उस पीरियड में पूरा का पूरा ये लैंड पूरा उत्तर मल्लागुड़ी मौजा पूरा का पूरा वेस्ट था। और जो भी आदमी यहाँ पर ज़मीन लिया था वो वेस्ट के हिसाब से लिया था। वेस्ट के हिसाब से लेने के चलते ये ज़मीन ऑलरेडी यहाँ पर 1 इंच भी जगह कोई ना कोई लिया हुआ है।
और ये लोग आदिवासी जो ट्राइबल आदिवासी ने इन लोगों को बेचा। बेचने के बाद में जब ये रजिस्ट्री खुल गया यहाँ पर, उसके बाद में इन्होंने बेचने से लिए मना कर दिया कि हम रजिस्ट्री नहीं देंगे। उसके बाद जस का तस जमीन पड़ा हुआ है, आज जो यहाँ घर बना हुआ है तो घर भी उसी पीरियड में बना था जिस समय ऑलरेडी पैसा दे के ही बनाया। फ्री में तो कोई किसी का ज़मीन में बैठेगा नहीं। आज इतने साल मान लीजिए 15 साल 20 साल बीत जाने के बाद में आदमी आके कहे कि हमारा ये है वो है, इस पर थोड़ा सा प्रशासन को सोचना चाहिए कि कई घर तो कोई ज़बरदस्ती नहीं बना के बैठा है। अभी तो हम यही देख रहे हैं जिसका ज़मीन है वो उसको कुछ पता ही नहीं है, जो मान लीजिए ऑलरेडी भाड़ा में रहता है वो भी नहीं है, और प्रशासन कैसे क्या किया नहीं किया ये तो हमको भी पता नहीं है। हम आए हमारा सामने घर को तोड़ दिया गया। SSB 53 वाहिनी फालाकट्टा सीमलबाड़ी मुख्यालय की ओर से भारत भूटान सीमा स्थित कालचिनी ब्लॉक के गुंगुटिया बस्ती में एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों के बीच वितरण किया गया स्पोर्ट्स किट्स। SSB 53 बटालियन की ओर से सोमवार को गंगुटिया बस्ती फॉरेस्ट विलेज स्कूल और पाना फॉरेस्ट विलेज प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड खेल से जुड़ी सामग्रियों को प्रदान किया। इस अवसर पर SSB 53 वाहिनी फालाकाटा मुख्यालय के कमांडेंट अरविंद कुमार, कालचिनी ग्राम पंचायत प्रधान निशा लामा, पंचायत सदस्य अश्रिता मुंडा, समाज सेवी शिवराज परगाली सहित स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे। SSB द्वारा इस अवसर पर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए और जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। मालिक और श्रमिक पक्ष के बीच मनमुटाव के चलते बंद हुआ सिमुलबाड़ी चाय बगान, 1200 श्रमिक हुए बेरोजगार। श्रमिक और मालिक के बीच मनमुटाव को लेकर सोमवार को सिमुलबाड़ी चाय बगान बंद हो गया। करस्यांग ब्लॉक के अंतर्गत सिमुलबाड़ी चाय बगान में काम करने वाले श्रमिक जब सोमवार सुबह बगान के मेन गेट पर आए तो उन्होंने ताला लटकता हुआ देखा, लेकिन गेट पर बगान मालिक ने कोई नोटिस नहीं लगाया था। श्रमिकों का कहना है कि बगान प्रबंधन ने बिना किसी नोटिस दिए बगान को बंद कर दिया है। श्रमिकों ने आगे बताया कि 17 नवंबर 2018 को कोलकाता में एक बैठक के दौरान मालिक पक्ष और श्रमिक पक्ष के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें श्रमिकों के वेतन में 17.5% की वृद्धि की गई थी, लेकिन श्रमिकों को 8 घंटे काम करने का शर्त भी दिया गया था। उसी के तहत बागान में काम किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान समय में चाय के अनुकूल वातावरण न होने के कारण उत्पादन काफी कम हो गया था, जिसके कारण श्रमिक 8 की जगह 6 घंटे काम कर रहे थे। इस बात को लेकर मालिक और श्रमिक के बीच मनमुटाव चल रहा था, जिस पर श्रमिकों ने मालिक पक्ष से कहा था कि मार्च महीने से चाय का उत्पादन शुरू हो जाता है, उस समय से बागान में पत्तियां तोड़ने के लिए श्रमिक 8 घंटा काम करेंगे, लेकिन इस बात को मानने के लिए बगान प्रबंधन तैयार नहीं था। सोमवार को सिमुलबाड़ी चाय बगान में श्रमिकों को वेतन देने की बात थी, लेकिन उससे पहले ही रविवार देर रात को बगान प्रबंधन ने बिना कोई नोटिस दिए गेट में ताला जड़कर बगान बंद कर चले गए। बगान बंद हो जाने से इस बगान में काम कर रहे स्थायी व अस्थायी मिलाकर 1200 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। कल से शुरू हो रहा है उच्च माध्यमिक परीक्षा, नकल रोकने के लिए मालदा जिले में 52 परीक्षा केंद्र में बैठाए गए मेटल डिटेक्टर मशीन। माध्यमिक की तरह उच्च माध्यमिक में प्रश्न पत्र लीक होने की घटना ना घटे, इसे ध्यान में रखकर मालदा जिला शिक्षा सांसद की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। कुल 105 केंद्रों में से 52 केंद्रों में सतर्कता जारी किया गया है। परीक्षा केंद्रों में कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करे, इस बात पर ध्यान रखते हुए मेटल डिटेक्टर भी बैठाए गए हैं। सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से DI तपस कुमार विश्वास ने बताया कि मालदा जिले में 40,194 परीक्षार्थी है, जिनमें से 18,101 छात्र एवं 22,093 छात्राएं शामिल है। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা 2019 এর টোটাল স্টুডেন্ট রয়েছে 40,194 জন, যার মধ্যে মেল রয়েছে 18,101 এবং ফিমেল রয়েছে 22,093 জন। এখানে আমাদের টোটাল সেন্টার রয়েছে 105টি, তার মধ্যে মেন ভেনু আছে 16টি, এবং লক্ষণীয়ভাবে এবার আমরা 52টি ভেনুকে মানে প্রায় অর্ধেক ভেনুকে সেনসিটিভ ভেনু হিসাবে ধরা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটি সেনসিটিভ ভেনুতে আমাদের যে মেটাল ডিটেক্টর থাকছে, যার মাধ্যমে যদি কেউ কোন রকমের ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষা হলে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে সেটা প্রথমেই গেটের মুখে ধরা পড়বে। NGP থানে কি পুলিশ নে অবৈধ শরাব কে সাথ এক ব্যক্তি কো কিয়া গ্রেফতার, আদালত মে কিয়া গয়া পেশ।
फिर से एनजीपी थाने की पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर अंबिकानगर इलाके से अभियान चलाकर अवैध शराब के साथ कार्तिक वैद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। एनजीपी पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि अंबिकानगर इलाके के गाड़पाड़ा एक दुकान में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर 30 लीटर शराब के साथ उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मदारीहाट में मिला एक व्यक्ति का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मदारीहाट में एक गैर सरकारी स्कूल के पीछे से सोमवार को 50 वर्षीय रामप्रसाद उराव नामक एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। परिवार वालों के अनुसार मदारीहाट छाकामाड़ी निवासी रामप्रसाद कल रात से गायब थे और उनकी तलाश की जा रही थी। आज सुबह स्थानीय लोगों ने शव को देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मिड डे मील के तहत मालदा के बच्चों को घटिया खाना देने के विरोध में इलाके के लोगों ने 2 घंटे तक रास्ते को जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। ICTS सेंटरों में घोटाले का आरोप लगाकर सोमवार को मालदा के मेहरापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर इलाके के लोगों ने लगभग 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी मिली है कि मेथाबाड़ी थाना के रथबाड़ी अंचल के कृष्णपुर ग्राम के हविलपाड़ा CS प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को घटिया किस्म का खाना दिया जाता था। इलाके के लोगों का कहना है कि चावल तथा दाल में कीड़े पड़े होते थे, वैसे ही उन बच्चों को खिलाया जाता था, जिसे लेकर आज उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इलाके के लोगों ने ICDS कर्मियों का रास्ते में घेराव भी किया। बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है कृष्णपुर ग्राम में ICDS एक सेंटर आछे। सेई सेंटरे प्रत्येक दिन निम्नमानेर खाद्य देवा होच्छे एवं 2-3 दिनेर खिचुड़ी रान्ना करा सेई बच्चागुलोके देवा होच्छे एवं सब समस्त किछु डाल चाले खराब पोका थाकछे प्लस কলাগুলো খারাপ থাকছে, তো সেইগুলো বাচ্চাদেরকে যাওয়া তার জন্য আমরা আজকে পথবরোধ করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা সমস্যার সমাধান হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পথবরোধ চলবে এবং চলছে। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहें SK Live के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।